अब चाहे जर में डूबूं, अब चाहे फना हो जाऊं, पर नामुमकिन है तुझ बिन अब सांस भी मैं ले पाऊं। तेरे इश्क फकीरी चढ़ गई, तेरे नाम का कलमा पड़ गई, जुझ पाने की बेचैनी अब रूह में और भी बढ़ गई। सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, ब्रो, ये हॉस्टल का रूम है या कोई आर्ट गैलरी नहीं है जो आशिकियां मचा रखी हैं। अगर वार्डन ने देख लिया ना ये सब, तो हमें गंजी और पैंट में भगाएगा यहाँ से। हाँ भाई, पहली मीटिंग में ना रोमियो पेंटर बन गया तू। वैसे तुझे इस लड़की में क्या दिखा? वही जो आज तक किसी में नहीं दिखा, मासूम सा चेहरा। शर्मीली आंखें, ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया। शेरो शायरी, सारे रोमांटिक गाने, ऐसा लगता है सिर्फ इसी के लिए बने हैं। आज से पहले माँ के अलावा ऐसा अपनापन किसी को देख के महसूस नहीं हुआ। आज पहली बार किसी को देख कर उसके साथ आने वाली पूरी जिंदगी नजर आ रही है। आज महसूस हुआ है कि अब तक तो सिर्फ सांसें ले रहा था, लेकिन लाइफ जीना अब शुरू करा। मेरा ये मेडिकल करियर, मेरी लाइफ, और तुम मेरी लाइफ लाइन। आज मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। और बेटा, गलती से भी अगर तुम दोनों में से किसी ने इस पेंटिंग को हाथ भी लगाया तो तुम्हारा मेडिकल करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, और तुम हॉस्पिटल डॉक्टर बन के नहीं जाओ, पेशेंट बन के एडमिट हो जाओ, वो भी लाइफ टाइम के लिए। समझे? हाँ भाई, समझे। अब तो छोड़ दो, शादी में बारात में लॉगिन डांस करने वाला कोई नहीं होगा। कई इसकी मेडिकल स्टडीज, सर्जन के जगह ना विसर्जन हो गया है ब्रो का, वो भी इश्क के दरिया में। और पता है क्या, बंदी को पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं। सुहानी, कल के एग्जाम के लिए सोना भी तो जरूरी है, इसीलिए कॉफी नहीं हल्दी वाला दूध लाई हूं। आजा पी ले, जल्दी आजा। ये डॉल और डॉक्टर सुहानी बनने का सपना बचपन से दोनों संभालती आ रही है। तू
मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ तेरी सारी कोशिशें कामयाब हों। ओहो माँ, ऐसी छोटी छोटी बातों पे अगर आप सेंटी हो जाओगी तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा ना, और पढ़ाई कौन करेगा? माएँ ऐसी ही होती हैं, बच्चों के मामले में एक्स्ट्रा इमोशनल। तो ये सब छोड़, तो जल्दी से पढ़ाई खत्म कर ले और सो जा, वरना सुबह आंख नहीं खुलेगी। आप हो ना मेरी अलार्म क्लॉक, आप हर बार की तरह मुझे जगाओगी। मेरे एग्जाम में आप सो जाओ ये इम्पॉसिबल है। मैं कैसे सो सकती हूँ? तेरा मेडिकल का एग्जाम हम दोनों का सपना है। चल जल्दी से सो जाना और दूध पी लेना। माता रानी, जो सपना पूरा करने की हिम्मत मैं कभी नहीं कर पाई, वो हिम्मत मैंने अपनी बेटी को दी है। मेरी हिम्मत और उसकी मेहनत की आज लाज रख लेना। ऑल द बेस्ट। माँ 11 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, जल्दी करो माँ। हाँ हाँ, 2 मिनट में कुछ नहीं होता। अच्छा तूने एडमिट कार्ड वगैरह सब ले लिया ना? हाँ हाँ माँ, एडमिट कार्ड, आई कार्ड, एक्स्ट्रा पेन सब कुछ रख लिया है मैंने, टेंशन मत लो। दादी जल्दी से आशीर्वाद दो। जा जा देखे एग्जाम, देखती हूँ कितने झंडे गाड़ के आती है। दीदी एग्जाम के बाद मेरा फुटबॉल मैच देखने जरूर आना। डन डील। जी सर। सर बस मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं साइट पे। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं क्लाइंट को संभाल लूंगा सर। जी जी ओके सर। खुश रहो बेटा, जिस सपने के लिए तूने पहली बार आवाज उठाई है उसे पूरा करके हमारा सर भी घर से ऊंचा करना है तुझे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। सुधा जी, मैं तो सुहानी के साथ कॉलेज नहीं जा पाऊंगा, अर्जेंट काम आ गया है, तुम साथ चले जाना। हाँ जी ठीक है, लाओ। हाँ चले माँ। चल आती हूँ। माँ जी ध्यान से जाना। भाई कुछ खा लेना यार। यार मेरा मन नहीं है। भाई करवा चौथ गया, अब ये व्रत ना एक्सेप्ट कर लियो, अब तू खा ले प्लीज। यार एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने में 20 मिनट बचे हैं, वो अभी तक कॉलेज नहीं आई है। और ये जो डिटेक्टिव गिरी करके इतना रिस्क लेके लड़की का नंबर निकाला डीन के ऑफिस से, ये कब काम आएगा? ले कॉल करके पूछ कहाँ है। हेलो, कहाँ हो तुम? 20 मिनट में एग्जाम शुरू होने वाली है। कौन बोल रहे हैं? तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है और तुम मेरी आवाज भूल गई। तुम तो रस्टिकेट हो गए थे ना? अरे एमजी रोड पर हूँ यार, बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। क्यों बार बार फोन कर रहा है? आ रहा हूँ ना, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। रुको मैं आया। हेलो हेलो, क्या अजीब लड़का है, बिना पूरी बात के फोन काट दिया। माँ यहाँ तो बहुत लंबा ट्रैफिक लगा है, कॉलेज जाने में देर हो जाएगी,
मेरे एग्जाम में सिर्फ 15 मिनट बचा है। मुझे नहीं लगता कि 15 मिनट में ये ट्रैफिक क्लियर होगा। क्या करें? माँ एक काम करते हैं, हम यहाँ से उतर जाते हैं, आगे चल के ऑटो ले लेंगे, ठीक है? वरना देर हो जाएगी। चल। जिम्मेदारी आंटी, मैं रणवीर हूं। आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको जानता हूं। फोटो देखी थी आपकी, वो एक्चुअली अंकल ने मुझे सुहानी की जिम्मेदारी दी है। सारा एक्सप्लेनेशन बाद में, एग्जाम के लिए लेट हो रहा है, चलें? हाँ माँ, ये वही है। जॉन, तुझे कल गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए कहा था, क्यों नहीं डलवाया? ब्रो वो मैं भूल गया। अगर तेरी वजह से एग्जाम छूटी ना तो आज ही तेरा ऑपरेशन कर दूंगा मैं। अब कैसे आऊं उड़ के? चले एग्जाम देने। लेकिन इस पे तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? डॉक्टर बनना है ना? चलो। जा सुहानी। माँ चलो, देर हो रही है। चल सुहानी, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। संभाल के। आराम से। आराम से।
माता रानी थैंक यू थैंक यू, इस फरिश्ते को भेज के बचा लिया आपने। अब चाहे सर मैं डूबूं, अब चाहे फना हो जाऊं, पर नामुमकिन है तुझ बिन, अब सांस भी मैं ले पाऊं, तेरे इश्क फकीरी चढ़ गई, तेरे नाम का कलमा पड़ गई, तुझे पाने की बेचैनी अब रूह में और भी बढ़ गई। केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री से होते हैं, पढ़ा है ना? और बायोलॉजी का मैक्सिमम पोर्शन ह्यूमन जेनेटिक्स और ह्यूमन एनाटॉमी का होता है। रिवाइज किया है? गुड। वो सब महकती हवाएं, सांस मेरी झुके गुजरी, सांसें झुके गुजरी, अंगार तेरी चाहत के मैंने सुकून में घोले, तेरी तलब अब रखूं मैं संग मेरे लहू के खोले, मुझे मेरे दम में मेरे दम में दम में मुझे मेरे दम हर कदम पे अगर कोई चाहिए, सिर्फ तुम 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 सिर्फ तुम। तुम्हारे सपनों को मैं हारने नहीं दे सकता। तुम लड़ोगी और ढाल मैं बनूंगा। तुम ठीक हो ना? ये क्या रणबीर, कॉलेज प्रमाइस है ये, जंग का मैदान नहीं, समझे? सर हमारे एजुकेशन सिस्टम ने वैसे भी एग्जाम्स को जंग का मैदान ही बना रखा है। कीपिंग फिलॉसफी असाइड, एग्जाम के लिए लेट हो रही थी, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, इसलिए खिलजी बन के खली वली करना पड़ा, तब कहीं जाके रास्ता क्लियर हुआ है। चलो सुनो, मैं जिम्मेदारी अच्छे से पेपर देना, दो ही मिनट बचे, सुनो रिलैक्स, हाँ घबराना मत, ठीक है, आराम से एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या बोला था मैंने तुझसे? क्या बोला था? बाइक में पेट्रोल डला लेना। पेट्रोल क्यों नहीं था बाइक में? क्यों नहीं डलवाया तूने पेट्रोल? सॉरी भाई गलती हो गई, भूल गया, सॉरी 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 सॉरी। एक काम बोला था वो भी ठीक से नहीं हुआ। हॉर्स राइडिंग आती तुझे? भाई मुझे हॉर्स राइडिंग क्या, मुझे तो गधा चलाना भी नहीं आता है। कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता है तू? अरे छोड़ ना ऐसे। तेरे इस भाई ने ना मनाली में घोड़े पे बैठ के बहुत पहाड़ चढ़े हैं, मुझे पता क्या काम है। तूने एमजी रोड देखा है? हां। उसका जो सर्कल है वहां पे तुझे एक बारात दिखेगी, उस बारात के दूल्हे को ये घोड़ी वापस करके आनी है, जल्दी जाना वरना उसकी दुल्हन भाग जाएगी। तू मर जा कहीं जाके। मैं क्यों मारूं यार, बीमारी इसकी और दर्द हमको देता है, बाय गॉड। ओ भाई बीमारी नहीं जिम्मेदारी। अरे भाई प्यार में यार अपना, उसकी खुशी में खुश होना सीख। चल मैं घोड़ी दे के आता हूं। एक्सक्यूज मी सर, सर एज अ सीनियर मैं इस एग्जाम में आपकी
हेल्प करना चाहता हूँ एज अ वॉलंटियर. दैट्स वेरी गुड. आई एम प्राउड ऑफ यू. तुम जैसे सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल सीनियर से ये बच्चे कुछ अच्छा ही सीखेंगे. थैंक यू सर. और एक वो है रणवीर, जब मिलता है हार्ट अटैक ही देता है. कम सर, आपकी गलती नहीं है. वो तो इस कॉलेज के बच्चे हैं जो उसे सर पर चढ़ा कर रखते हैं, इसलिए वो सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है. ट्रू. टेक दिस. ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ. रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सा एंट्रेंस है. ध्यान से पेपर देना और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ओके पानी देना है? हाँ, आई एम फाइन, बट थैंक यू. जिम्मेदारी जल्दी जल्दी में कुछ खाया नहीं होगा ना? सैंडविच लाया हूं और ये ग्लूकोस, डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए. ये लो. प्लीज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है. अरे लो इसे. कैसे जा रहा है पेपर? कुछ चाहिए तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी तो नहीं है, लेकिन अगर तुम दोबारा डिस्टर्ब करने आए ना तो ये लड़की प्रॉब्लम में आ जाएगी, समझे? तुम इसका पेपर मैं कैंसिल कर दूंगा.